से मोहन कुमारगढ़, ये वही जगह है जहाँ से अभी मैंने बताया कि भोनाथ से फुली देवी जी की चैन टूटी थी, तो यहीं से यही वो जगह है जहाँ से दो बोलेरो वाले यहाँ घूमने आई थी फुली देवी जी, तो यहीं से वो बोलेरो वालों उनकी चैन तोड़ के और यहाँ से फरार हो गए। तेज स्पीड में बताया जाता है, जिससे बाइक वाले दो नरेश जी और एक रामनिवास जी, उन्होंने बाइक से उनका पीछा भी किया। पीछा करने पर पता लगा कि बोलेरो के पीछे भारत सरकार भी लिखा हुआ है। तो फुली देवी जी बहुत ही परेशान और बहुत ही पीड़ित है। तो ये आज सुबह की वारदात है, आज सुबह ही इनकी चैन टूटी है। मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं ये डेली, तो आज जैसे ही सुबह घूमने आई तो इनके गले से चैन तोड़ी गई है। ये पावटा गांव भोनाथ की बात है। सुबह आपकी चैन कैसे टूटी, आपके साथ क्या वारदात हुई, आप बता सकते हैं? ऐसे सो आ रही बिल्कुल पास मैं घूम रही थी और वो गुंजी साया उन जमा कच्चा रोड मोगी, तो मैं कच्चा हुई ना मेरा कैंड कर लिया। बस वो चालती गाड़ी में आया जट को देर लपटी और बार मुख मेरे से होम गई। बस गाड़ी ने थामी कौन और बाइक कौन था चालता ही। कौन सी गाड़ी थी, बाइक वाले थे या कोई बोलेरो थी? बोलेरो थी, बोलेरो गाड़ी थी। तो आपने देखा कितने लोग हैं, कोई नंबर वगैरह नोट या कुछ नहीं? ऐसा गाड़ी का नंबर नोट किया किसी ने? कुछ भी नहीं। हाँ वो तो मैं कौन मैं किया था, जेंट्स के गाड़ी। आप बताइए, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ जी आप आइए। यहाँ पर आप क्या दिक्कत पास में आप बताइए। मगर बारे में मैं माता जी घूमने के लिए गई थी, यहाँ से अक्सर घूमने जाते हैं, तो जैसे आ गई थी वहाँ से तो गले में होम था ऐसा मैंने कैन रखा जैसा सोने का, तो ऐसे भी तीन बेलरों में तीन पता नहीं कितने जेंट्स इन्होंने देखा नहीं और जट दे तोड़ के और आगे निकल गए। पीछे से इन्होंने आवाज लगाई तो दो लड़के वहाँ से आके और उनका पीछा किया तो गाड़ी एकदम फुल स्पीड पे थी और इधर से जाके टेस्कोड़ा की तरफ मुड़ी। माता जी को इतना पता है। ये मैं भोनाथ गांव में हूँ, पावटा के अंदर जो गांव आता है वहाँ पे कई दिनों से कई बाइक चोरी, मोटर चोरी, कई तरह की वारदातें चल रही है। आज इन माता जी के साथ मॉर्निंग में सुबह 6 बजे ये मॉर्निंग वॉक चली जाती है, तो इनके साथ पीछे से कोई बोलेरो आई जिसमें 3 या 4 लोग बताए जाते हैं, तो उन्होंने माता जी के गले पे झपट्टा मारा और इनका जो मंगलसूत्र था वो तोड़ के ले गए। तो मैं M24 न्यूज चैनल से मोहन कुमार गोड़, मैं चाहता हूँ कि माता जी की पूरी हेल्प हो, तो पुलिस वाले इस माता जी की ये पीड़ित है इस चीज़ से, तो इनकी बातों को सुन के और इस पर कोई कार्यवाही करें।